नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ वेजिटेबल पुलाव, जो कि सर्दियों में एक खास रेसिपी है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी गरम करेंगे, उसमें हरी मिर्च, जीरा, बे लीफ, कार्डमम और ब्लैक पेपर से तड़का लगा देंगे। और उसमें अदरक और प्याज ऐड कर देंगे और फिर उसको अच्छे से स्टर करेंगे। फिर उसमें पोटैटोज़, फ्रेंच बीन्स और मटर के दाने ऐड कर देंगे। ये वेजिटेबल्स मैंने इसलिए शुरुआत में ऐड की हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं पकने में। फिर इसमें कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम और कैरेट्स भी ऐड कर देंगे। इन सभी सब्जियों को मैंने बहुत छोटे आकार में कट किया है जिससे जल्दी कुक हो जाए। इसी के साथ ही थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देंगे। आप चाहें तो पूरा नमक एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे जो हमने 10 मिनट के लिए भिगो कर रखे थे। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने दिखाया है, लेकिन आप इसको ग्रेजुअली ही स्टर करिएगा। और इसमें अब 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि पानी उतना ही लें जितना आपने राइस लिया है, क्योंकि हमने 10 मिनट के लिए चावल को सोक भी किया था। और दोस्तों मैंने इसमें फोक यूज़ किया है क्योंकि फोक से चावल टूटता नहीं और चावल का टेक्सचर बरकरार रहता है। इसको अब कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो दोस्तों लीजिए, आपका वेजिटेबल पुलाव तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।